नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज की मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन इन निजी हॉस्पिटल्स का मरीज को इलाज का खर्चा उठा पाना सबके बस की बात नहीं है। ऐसा ही मैक्स लाइफ हॉस्पिटल जो उल्लासनगर 3 में है, उसमें किशनचंद बालचंदानी नामक व्यक्ति कोरोना के इलाज के लिए 21 जुलाई को एडमिट हुए, जहां से वह 29 जुलाई को डिस्चार्ज भी किए गए। डिस्चार्ज वक्त मैक्स लाइफ हॉस्पिटल की तरफ से 1,80,000 का बिल मरीज के परिजनों को दिया गया। वहीं उपचार के दौरान परिजनों ने हॉस्पिटल में 75,000 रुपये जमा भी किए थे, पर हॉस्पिटल की तरफ से परिजनों से बैलेंस अमाउंट की डिमांड हो रही थी, जिस वजह से मरीज की 29 तारीख के डिस्चार्ज के बावजूद भी उसे हॉस्पिटल में रखा गया। आज 31 जुलाई को समाज सेवक शिवाजी रगड़े की तरफ से मनपा आयुक्त, महापौर और उपमहापौर को पत्र देकर बताया गया कि मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में अजब प्रकार का कारोबार शुरू है। हॉस्पिटल की तरफ से मरीज को उपचार के दौरान दी जा रही एक किस्म की दवाइयां या इंजेक्शन हर दिन का अलग अलग रेट लगाया जा रहा है, लेकिन आज 31 जुलाई को समाज सेवक शिवाजी रगड़े, मनसे अध्यक्ष बंडू देशमुख के साथ पत्रकार भी जब मैक्स लाइफ हॉस्पिटल पहुंचे, तो हॉस्पिटल प्रशासन से बात करने के बाद 80,000 रुपये कम किए गए और मरीज को 29 तारीख के डिस्चार्ज के बाद उसे आज 31 तारीख को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। आइए देखते हैं क्या है यह पूरी खबर। आप लोगों ने इतना मेरे को हेल्प किया है, जो 3 दिन के बाद आज मैंने बाहर निकली हूँ, अपने आदमी को देखा है। आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी। मैं अपना पेशेंट आप लोगों की वजह से लेकर जा रही थी। 3 दिन से मेरे को मिलने भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। कितना बिल था आपका? मेरा कम, मैंने 75,000 भर चुकी थी। 1,00,000 जबरदस्ती बोल रहे थे भरो भरो भरो, मेरे पास नहीं था, तभी मैं 3 दिन अपने पेशेंट को इधर ही रखा था ऐसे। किसने मदद की आपकी? आप लोग सब जो भी है, मैं उनके नाम नहीं जानती है, पर आप सब लोगों की मेहरबानी है, जो आपकी वजह से मैं सुबह को मेरे को पेशेंट मिला है। नहीं तो 3-2 रातें मैंने इधर निकाली है, मेरे को किसी ने मदद नहीं किया। मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में एक पेशेंट था जो 21 तारीख को यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हुआ था और 29 तारीख को उसका डिस्चार्ज उन्होंने डिक्लेयर किया था। इस दरमियान उन्होंने 1,80,000 का बिल यहाँ पर उसे दिया। अब उस महिला के पास अपने पति के इलाज के लिए इतने पैसे नहीं थे। वो बार बार दरख्वास्त कर रही थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसके बावजूद भी उसको ये जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के खिलाफ जाकर ये बिल उसको दिया गया है। कल आके हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया हॉस्पिटल प्रशासन से कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आप देखिए उसे क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन इनका रवैया बिल्कुल सपोर्टिव नहीं था। इन्होंने किसी तरह का सपोर्ट नहीं किया। कल रात को केवल उन्होंने 9,000 रुपया इस बिल में से कम किया। अब इस महिला का हमने फाइनेंशियल कंडीशन जानने की कोशिश की, तो ये महिला को जो इन्होंने जो इंजेक्शन भी लाए थे वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो उन्होंने अपील की थी, लोगों ने उसको गूगल पे या जो भी उसको हेल्प की थी उस माध्यम से इस महिला ने वो इंजेक्शन लाए थे। इसका पैसा भरने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं था। अब कल इसके जो बिल हमने चेक किए, तो जो मेडिकल बिल यहाँ पर दिए थे, मैंने सबको ये बताया है, ये जो मेडिकल बिल है ये एक ही इंजेक्शन, एक ही कंपनी का और उसका एक ही कंटेंट, लेकिन 3 अलग अलग डेट पे उस बिल की कीमत पूरी तरह से अलग अलग है। पहले दिन इस बिल, इस इंजेक्शन की कीमत थी 712 रुपया, दूसरे दिन इस इंजेक्शन की कीमत थी 2,400 रुपया और तीसरे दिन इसी इंजेक्शन की कीमत थी 3,977 रुपया। तो हमारे कहने का मतलब है इंजेक्शन सेम, कंपनी सेम, कंटेंट सेम, तो एक ही की इंजेक्शन की कीमत इतनी वैरी क्यों कर रही है, इतना इसमें फ़र्क क्यों आ रहा है। जब इसकी हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो इन्होंने कहा जो MRP से हमको आई है उसी MRP से हम दे रहे हैं। इसका मतलब कोविड के नाम पर कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ये हमारे पेशेंट्स को यहाँ पर लूटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट आइसोलेशन में होता है, क्या दिया जा रहा है, क्या इंजेक्शन दिए जा रहे हैं हमें पता नहीं है। हॉस्पिटल का ही मेडिकल है, मेडिकल में सब यही लोग सब ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं हमको मालूम नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारा अनियमितता है और पेशेंट को यहाँ पर लूटा जा रहा है। इसीलिए आज हमने आयुक्त साहब, महापौर जी, उप महापौर जी सबको लेटर दिया, इवन पुलिस स्टेशन में भी इसकी कॉपी दी है कि इन बिलों की जाँच की जाए, इसका जो भी बिल दिए गए इसकी पूरी तरह से ऑडिट किया जाए और अगर ऐसे हॉस्पिटल किसी पेशेंट को ये कोविड के नाम पर लूट रहे तो उनके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनका लाइसेंस रद्द होना रद्द हो जाना
होना चाहिए और यहाँ पर लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, यही मांग आज हमने की। समस्या लेकर यहाँ पर गए थे तो बिल कुछ कम हुआ कि नहीं? बिल्कुल, 1,80,000 रुपए जो बिल था केवल 1,00,000 रुपए दिए है, 80,000 हमने पूरी तरह से माफ करके लिया है, प्रशासन ने भी सपोर्ट किया और 80,000 माफ करके दिया है और पेशेंट को यहाँ से हमने डिस्चार्ज करके लिया है। क्यों माफ किया है? कहीं ना कहीं मतलब हॉस्पिटल की गलतियाँ थी, 80,000 रुपए जबरन उन पे थोपे गए थे, ऐसा लगता है आपको? हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीपी किट का पर पेशेंट डेली का 2,000 रुपए चार्ज किया जा रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, अभी 61,000 रुपए का पर मेडिसिन था, जैसा मैंने बताया कि एक इंजेक्शन की MRP 712 रुपए है और उसी एक इंजेक्शन की MRP 3,900 रुपए है, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं वेरिएशन है, डिफरेंस है, कुछ गड़बड़िया है, तभी हॉस्पिटल ये सब इतना इसमें तामझाम कर रहे हैं। प्रशासन को इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा, इस तरह से अगर दुर्लक्ष्य अगर प्रशासन करेगा तो हम प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।